ओम शांति। आज भैया दूज है और भैया दूज की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जरूर है कि एक बार यमराज को लगा मैं अपनी बहन यमुना से मिलने जाता हूँ, और जब वो वहाँ पहुँचा तो यमुना को उसने नदी के किनारे पाया, बड़ा खुश हुआ। यमुना भी अपने भाई को देखकर इतनी खुश हो गई कि वो उसके अपने घर ले आई, उसको तिलक दे करके भोजन कराया। और भोजन करके जब यमराज ने कहा आज के दिन मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, जो मांगोगी मिल जाएगा, तब उसने कहा कि आज के दिन जो बहनें प्यार से अपने भाई को भोजन करवाती है वो कभी तुम्हारा द्वार न देखे, आज के दिन न देखे। और ये वरदान देते हुए यमराज वहाँ से विदाई लेते हैं। वास्तव में महाकाल तो परमात्मा को ही कहा जाता है, और इसीलिए महाकाल जब इस संसार में आते हैं तो सभी आत्माएं जिस जिस चोले में है वो सब उसकी संतान है, और संतान होने के नाते हम सभी आपस में भाई बहने ही है, एक परमात्मा के संतान के रूप में। भावार्थ ये है कि हर भाई दुनिया की हर नारी को एक बहन के रूप में इस दृष्टि से व्यवहार करें, ऐसी शुभ दृष्टि, श्रेष्ठ दृष्टि जब रखे, हर बहन को वो अपनी बहन समझ करके उसके साथ सदव्यवहार करें, तभी तो गति श्रेष्ठ होगी। तो आज का त्यौहार बहुत मर्म लिए हुए है कि जहाँ हर नारी के प्रति सम्मान की भावना हो, इसीलिए ये एक दैहिक नाता न हो लेकिन आत्मिक नाते से हर बहन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। इन्हीं शुभ वचनों के साथ भाई दूज की बहुत बहुत मुबारक हो, मंगल कामना हो आपके लिए भी, सदा आपका आयुष्य बड़ा हो, सदा आप शुभ कर्म करते रहो और सदा सर्व की रक्षा करते हुए इस संसार को भय मुक्त करते चले और सत्युगी दुनिया को हम साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।